नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 14 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आएंगे अपने संसदीय क्षेत्र, करोड़ों की देंगे सौगात। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन नहीं होगा। शिवपाल यादव ने कहा, फोन पर हुई है अखिलेश यादव से बात, सपा से गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका नामंजूर। उलेमा शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, बोले अगर दीनी तालीम भी दी होती तो शाहरुख खान का बेटा आर्यन जेल नहीं जाता। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर के प्रस्तावित वाराणसी दौरे में काशी वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, साथ ही वह जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल जनसभा स्थल के क्षेत्र का निर्णय नहीं हो पाया है। पीएम मोदी की जनसभा के लिए बुधवार को एसडीएम राजा तालाब और भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मेहंदीगंज स्थित स्थल को देखने पहुंचा। जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि रिंग रोड के पास स्थित मेहंदीगंज में सभा स्थल के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शकील अहमद को भी मौके पर बुलाकर मंत्रणा की गई, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के लिए अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय को सभी विकल्पों से अवगत करा दिया गया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल भी पूरी ताकत दिखा रही है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। बुधवार को उन्होंने हाथरस और बुलंदशहर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। जयंत ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है। और क्या कहा रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने, आइए सुनते हैं। और शायद कभी हमने और आपने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे और आपके मत से जो सरकारें बनेंगी वो इस कदर आपके प्रति अनदेखी करेंगी, और अनदेखी ही नहीं, आप पे वार करेंगे। लखीमपुर के उस घटना का प्रभाव पूरे देश में है। जो किसान वहां उन परिवारों के बीच नहीं पहुंच सकते, वे भी अपने घर में बैठे बैठे, वे जो आंसू रो रहे हैं, वे उस परिवार के दर्द है। ये नाम आपको याद रखने हैं। ये सरकार चाहेगी, पूरी कोशिश करेगी कि लोग भूल जाएं बातों को, लेकिन हमें वे नाम याद रखने हैं, लखीमपुर के उन किसानों के। मैं लवप्रीत के घर पे उनके घर वालों का दर्शन मैं कर पाया। 18 साल का नौजवान था, कोई दोष नहीं इसमें। आपके लिए कुर्बानी दी लवप्रीत ने, दिलजीत, नछत्तर सिंह जिनके बेटे आर्मी में हैं, और उनकी एक बात मैंने अखबार में पढ़ी, घर वाले बता रहे थे अपने बेटे को, कहा करते थे बेटा तू देश की लड़ाई वहां लड़ रहा है और मैं किसानी करके देश की लड़ाई यहां लड़ रहा हूं। ऐसे थे नछत्तर सिंह। गुरविंदर सिंह जिनके घर के लोग मानते हैं कि उन्हें गोली लगाई गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका खुलासा
नहीं हुआ। और रमन कश्यप जो पत्रकार, ये नाम आपको याद रखने हैं। हर 5 साल में वोट का मौका होता है, मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे वही रहते हैं। इस चुनावी समर में जब लोग आपके पास आएंगे, जो लोग आज मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, दुबक्के छुप रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये जो नाम मैंने आपको बताए, नाम उनके आगे आपको लेने पड़ेंगे हर गांव में, और उनको पूछना होगा तुम कहां थे। गतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपनी रथ यात्रा लेकर फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस रथ यात्रा को निकालने के बाद भी शिवपाल यादव का प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो। शिवपाल यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। तो देखिए, अभी तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टियां अगर अलायंस भी होगा तो फिर तो वो तो प्रचार अलग अलग भी होते हैं और साथ साथ भी होता है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और संभावनाएं तो संभावनाओं पर तो सब कुछ चलते ही। प्रधानमंत्री, और अभी तो बहुत समय है, अभी तो चुनाव के 5 महीना हैं कि विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं, पहले तो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और इस सरकार ने ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए हैं जिसकी वजह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा तो किसान को देख ही रहे, लगभग 10 महीना हो गए हैं, पूरे देश का किसान सड़कों पर है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया। मामले में विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, और वह 12 अक्टूबर से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की 3 दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है। भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने अंकित दास गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अंकित दास आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास के वकील ने कहा है कि अभियोग पक्ष ने रिमांड की मांग की थी, परंतु अंकित दास के हेल्थ इश्यू हैं, उन्हें 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में
बरेली उलेमा ने कहा है कि अगर आर्यन को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी गई होती तो वह आज जेल नहीं जाता। यह कहना है बरेली सिलसिले से जुड़ी तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना सहाबुद्दीन रजवी का। उन्होंने आर्यन से जुड़े ड्रग्स मामले में कहा है कि शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन मदरसे में पढ़े होते तो जायज नाजायज मतलब समझ पाते। सहाबुद्दीन ने आर्यन के बहाने पूरी कौम को यह संदेश दे डाला कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का दिया जाना भी ज़रूरी है। यदि बच्चों को दीनी तालीम ना दी जाए तो नतीजा शाहरुख खान के बेटे आर्यन जैसा होगा। उन्होंने कहा है कि नशा इस्लाम में हराम है, यह बात तभी समझी जा सकती है जब बच्चों को दीन की जानकारी हो। उनका कहना है कि अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को दुनियावी तालीम के साथ ही किसी मदरसे में एक या दो दर्जे तक इस्लामिक तालीम भी दिलाई होती तो उन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मौलाना ने कहा है कि अगर बच्चा किसी गलत हरकतों में पड़ता है तो सवाल माँ बाप पर रुकता है कि उन्होंने कैसी परवरिश दे डाली। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को प्यार से समझाएं। साथ ही यह भी कह डाला कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले अधिकांश मुसलमान दीन से ना वाकिफ हैं, उन्हें शरीयत की जानकारी नहीं है। शाहरुख एक बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत है और उनके बच्चे पर इस तरह की बात आई है, ऐसे में यह लगता है कि वालिदैन ने बच्चे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, उसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस बात पर गौर किया कि बच्चा किस रुख पर जा रहा है, इसीलिए ऐसी नौबत आई। खबरों में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।